राया कस्बे का एकमात्र रोडवे बस स्टैंड अब प्राइवेट बसों का पार्किंग स्थल बनता जा रहा है। बस स्टैंड में तैनात कर्मचारी राजवीर सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि यहां सुबह से ही प्राइवेट वाहन खड़े रहते हैं। वहीं एआरएम मथुरा द्वारा विगत दिनों रोडवेज बसों के संचालन के लिए राया के बस स्टैंड से बसों का संचालन करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन प्राइवेट और डग्गेमार वाहनों की वजह से बसों का यहां आवागमन नहीं हो पा रहा है, जिससे यात्रियों को रोड पर धूप में खड़े होकर ही बसों का इंतजार करना पड़ता है। तो वहीं राया थाना प्रभारी से शिकायत के बावजूद भी डग्गेमार बसों को रोडवे बस स्टैंड के गेट से नहीं हटवाया जाता है, जिससे बसों को अंदर आने और निकलने में असुविधाएं होती हैं। उन्होंने बताया कि कई बार डग्गेमार वाहनों को हटाने के लिए राया थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दी गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई न होने से डग्गेमार वाहन चालकों के हौसले बुलंद हैं। वहीं उन्होंने अंदेशा जताते हुए कहा कि कहीं डग्गेमार वाहनों से थाना पुलिस की सेटिंग तो नहीं, जिसके कारण ये अन्य स्थानों पर स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है। अब देखना ये होगा कि उच्चाधिकारी इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। राया में मैं थाने में भी लिख के दे चुका हूँ और गाड़ी नहीं हटती है, गाड़ी आ नहीं रही है। उन्होंने कहा गाड़ी नहीं आ रही है, हम रोड पर खड़ी करते हैं कि तुम्हारे बस स्टैंड में खड़ी नहीं है, गेट के बाहर खड़ी करते हैं और गहरी से खड़ी होती है गाड़ियाँ, नौजिल जाने वाली है वो रोड पर बिल्कुल गेट पर लगा देते हैं गाड़ी, हम रोड पर लगा रहे हैं तुम्हारे वहाँ मतलब बस स्टैंड में नहीं लगा। थाने में आपने कोई आपने लिखित कार्रवाई दी है? थाने में लिखित आए थे फिर बंद हो गए। कोतवाल साहब ने कहा था कि हम कोई गाड़ी खड़ी नहीं होने देंगे, गेट पर भी साफ हुआ पर तो आए फिर आते नहीं है, गाड़ी खड़ी रहती है। जैसे अभी देखा जा रहा है रोड अंदर तो खड़ी होने नहीं देता हूँ, फिर भी कहते हैं कि बस स्टैंड के अंदर नहीं है, बाहर गाड़ी रोड पर खड़ी है, तुम रोड के ठेकेदार थोड़ी हो। अभी आपके बस स्टैंड में गाड़ी अभी मौजूद है इस समय? गाड़ी तो बस स्टैंड के अंदर नहीं, गेट से बाहर है, अंदर अंदर तो एक भी गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। आपकी गेट भी खड़ी हुई है? जैसे दोनों साइड में गेट खड़ी हुई है, बाउंड्री के बाहर खड़ी कर लेते हैं। तो इसमें लिखित में आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई दी है? इसमें लिखित तो मैं मतलब दे चुका हूँ गाड़ियों के बारे में, इसको दिया आपने थाने में दे चुका हूँ। तो आपने अपने अधिकारी को अवगत कराया इसमें? हाँ, अधिकारी को मैं मतलब लिखित में रिसीव करा के लाया हूँ, दे के आया हूँ। तो क्या कह रहे थे? कह रहे थे बस स्टैंड के अंदर गाड़ी एक भी नहीं लगनी चाहिए और गेट पर रोड पर खड़ी करते हैं, तो तुम्हारी पुलिस ने कोई कार्रवाई की है इसमें? हाँ, दो तीन दिन की थी कार्रवाई, उसके बाद में यहाँ कोई नहीं आए, फिर गाड़ी फिर लगने लगी बाउंड्री के बाहर। जैसे 28 तारीख से आदेश हुए थे रोडवेज बस स्टैंड से बस चालू होंगी राया से मथुरा के लिए आदर्श के लिए, तो ये गाड़ी क्यों नहीं आ रही है, किस कारण नहीं आ पा रही है? मैंने तो वहाँ भी सूचना दी बड़े बाबू को, गाड़ी नहीं आ रही है अंदर, उन्होंने कहा कि आएंगी गाड़ी और तुम वहीं रहो स्टैंड पर, मैं गाड़ी नहीं आएंगी तो मैं क्या करूँगा, तो बोले कि नई गाड़ी आएंगी और अभी थोड़ा रुको, मैंने फिर लिख के भी दिया वहाँ पर। तो उनमें से एक अधिकारी यहाँ आया था कभी? नहीं, अभी तो नहीं आए। बाबा कड़ेरा सिंह विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी आवासीय स्कूल, ग्राम अखा, गोवर्धन सौंप मार्ग, मथुरा। यहाँ आपके बच्चों को मिलता है 50 एकड़ में फैला विशाल हरा भरा विद्यालय प्रांगण। सीबीएसई बोर्ड द्वारा 10 परीक्षार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, बोर्ड कक्षाओं का 100% परीक्षा फल, एनसीसी एवं एनएसएस की ट्रेनिंग, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, वातानुकूलित भोजनालय, पोषक शाकाहारी आहार, विद्यालय की निजी गौशाला से छात्र छात्राओं हेतु गाय के शुद्ध दूध की व्यवस्था, छात्रावास से विभिन्न 9 राज्यों के 550 छात्र छात्राएं अध्ययनरत, 24 घंटे अनुभवी गार्ड और गनमैन द्वारा कड़ी सुरक्षा, योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य। छात्रावास में छात्र की कुल फीस 80,000 से 1,00,000 तथा छात्राओं के लिए 60,000 से 75,000। अत्याधुनिक एवं सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, आर्ट और कंप्यूटर लैब के माध्यम से शिक्षण कार्य, करंट मैगजीन, न्यूज़पेपर और 5,000 से भी अधिक पुस्तकों से सुसज्जित विशाल पुस्तकालय, शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ साथ छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए 16 विभिन्न हॉबी क्लब जैसे योगा, कुकिंग, जूडो, कराटे, कॉइन कलेक्शन, इंडोर आउटडोर गेम्स और ओपन स्काई थिएटर। कक्षा 1 से 9 और 9 से 11 ऑल स्ट्रीम प्रवेश परीक्षा 18 मार्च 2018 रविवार सुबह 10 बजे से। तो जल्द कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 7055021012, 9557369469।